أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها ثم أداها كما سمع أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين लिए उनसे इल्म व फन नसरानियों ने किया कसम अखलाक रूहानियों ने अदब उनसे सीखा सफाहानियों ने कहा बढ़ के लब्बैक यजदानियों ने हर एक दिल से रिश्ता जहालत का तोड़ा कोई घर न दुनिया में तारीख को छोड़ा ग्रामी कदर उलमाए किराम सामईन अजी वकार अजीज तलबा और पर्दानशीन मेरी अजीज तालिबान माए और बहने हम सब इस वक्त वाकई टेक्सला गिरदुनवा की अजीम शान और कदीम दीनी दरसगाह जामिया मोहम्मदिया के सिवा की सालाना तकरीब जो हर साल सही बुखारी शरीफ की तकमील के मौके पर उन तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई दस्तार बंदी तालिबात की चादर पोशी और असनाद और इनामात की तकसीम की सिलसिले में मुनाकिद होती है उस मुबारक महफिल में आज के दिन जामे मोहम्मदिया की जामे मस्जिद में जमा हुए हैं इन तलबा और तालिबात ने अपना ये तालीमी सफर आम तौर पर 8 साल कबल तालिबात ने 6 साल कबल शुरू किया होता है और आज सही बुखारी की आखिरी हदीस का दर्स सुनकर अपना जाबते का ये तालीमी सफर मुकम्मल करते हैं जाबते का सफर ये इसलिए कह रहा हूँ कि हकीकत में इल्म की जस्तजू तलब लगन तड़प उसका कोई इख्तिताम नहीं कोई मरहला ऐसा नहीं कि जिस मरहले पर इंसान ये समझे कि अब मुझे इल्म के अंदर मजीद मेहनत तरक्की और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं हर इंसान बहुत वसी और मुताला भी हो मालूमात का इहाता भी रखता हो इसके बावजूद वो किसी न किसी मसले में इल्मी तिश्नगी और कमी अपने अंदर महसूस करता है हजरत अक्दस मेरे दादा उस्ताद मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह का नाम गिरामी इल्मी हलकों के लिए मुहताज तआरुफ नहीं खित्ते हिंदुस्तान के अजीम फकीह मुफस्सिर होने का एजाज हजरत के नाम है लेकिन वो फरमाते थे कि आज भी जब मैं कभी नमाज पढ़ता हूँ तो नमाज के दौरान कोई ना कोई ऐसी कैफियत से बाज दफा दो चार होता हूँ कि उसके मुतल्लिक मुझे भी किताब देखने और
मुताला करने की ज़रूरत पेश आती है कि अगर नमाज के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए, फिर भी मसला इस बारे में क्या कहता है, वो मुस्तहज़र नहीं होता। तो जिन लोगों की ज़िंदगी शब रोज़ किताबों की वर्क करदानी में गुजरी हो, वो भी अगर ये इल्मी तश्नगी महसूस करते हैं, इल्मी प्रयास को बुझाने के लिए किताबों के साथ मुमारसत और किताब की वर्क करदानी की ज़रूरत महसूस करते हैं, तो मैं और आप को किसी शुमार में नहीं, जो बदरजे इज़्तिरार और मजबूरी तो किताब देखते हैं, और अगर इज़्तिरार और मजबूरी ना हो तो किताब खोलना भी गवारा नहीं करते। इसलिए सिर्फ ज़ाबते का ये सफ़र आपका तालीमी मुकम्मल हुआ है, उसके बाद आपके अंदर इतनी काबिलियत मौजूद है कि अगर आप अपने मुताले को बढ़ाते रहेंगे और अपना दामन असलाफ के साथ वाबस्ता रखेंगे तो आप इस इल्मी सफ़र में शहराए इल्म पर आगे बढ़ने में कोई बड़ी रुकावट महसूस नहीं करेंगे। तो ये ज़ाबते का तालीमी सफ़र मुकम्मल करना, ये आप हजरात को बहुत मुबारक हो, और आपके इस सफ़र की तकमील में जैसे आपके असातिज़ा किराम का हिस्सा है, वहीं आपके इस तालीमी सफ़र की बुनियाद आपके अज़्ज़ा व अहबाब, आपके वालिदैन, आपके अक़ारिब और रिश्तेदार वो इसकी बुनियाद है, और उनकी मिसाल बुनियाद के उस पत्थरों की सी है, उन ईंटों की सी है जो इमारत की मजबूती का बाइस तो होते हैं लेकिन आप उनको देख नहीं सकते, इसलिए वो भी लायक शुक्र है, लायक तज़ीम है, लायक मुबारक बात है कि उन्होंने अपनी जानी माली और अपनी खिदमत की कुर्बानी देकर आप हजरात को तालीम सफ़र की, तालीमी सफ़र करने की, तालीमी मशगूलियत इख्तियार करने की इजाज़त दी। तो वो हजरात भी आपकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ मौजूद हैं, उलमाए किराम असातिज़ाए किराम भी आपकी हौसला अफजाई के लिए मौजूद हैं, और आपका रिश्ता उस उम्मत के साथ है जो उम्मत उम्मत इल्म है, कि अल्लाह ताला ने इनको दीन और दुनिया के उलूम का जामे और मरकज बनाया। इस उम्मत ने दीन के मैदान में भी लाजवाब खिदमात और अनमिट नकूश छोड़े, साइंस के मैदान में भी इस उम्मत का तोती बोलता रहा, तस्नीफ और तालीम तहकीक के मैदान में भी इस उम्मत ने ग्राम कदर जखीरा छोड़ा, और कुरान और सुन्नत जो इस्लामी उलूम के दो बुनियादी हवाले हैं, उम्मत ने इन दोनों बड़े हवालों की लाजवाब खिदमत की, बेमिसाल खिदमत की, और ऐसा अजीम शान कुतुबखाना इस उम्मत की इल्मी तहकीकात तारीफात से वजूद में आया कि जब इस उम्मत पर अल्लाह की तरफ से इजबार और शिकस्त का फैसला हुआ, इनके मुखालिफीन ने इनके इल्मी कुतुबखाने जलाए, दरिया मुल्क की इनकी किताबें और किताबों से दरियाओं के जिगर फाट किए गए, और किताबों से पुल वजूद में आ गए, किताबों की स्याही धुल धुल कर दरियाओं के पानी में शामिल हुई, तो दरियाओं का पानी कई कई दिन तक स्याह बहता रहा, लेकिन फिर भी इस उम्मत का रिश्ता इल्म से तोड़ा नहीं जा सका। इस उम्मत ने कुरान और सुन्नत की हिफाजत पूरे जी जान से की। तो पहला हवाला वो कुरान करीम का है, कुरान करीम की तिलावत सुनना और सुनाना ये बाएं से सवाब है, नबी अकरम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कुरान करीम की तिलावत से आज की हम इस महफिल का इंशाअल्लाह आगाज करेंगे। कुरान करीम की आयात बजीनात की तिलावत के लिए मैं दावत तिलावत दूंगा नजमुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद फारूक मुआविया साहब को, कि वो तशरीफ लाएं और अपनी खूबसूरत आवाज में कुरान करीम की आयात बयान की तिलावत से इस बाबरकत महफिल का आगाज करवाएं। नजमुल कुर्रा
जनाब कारी मोहम्मद फारूक मुआविया साहब सीधा मशहूर।